मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की, जहां पर राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ क्षेत्र के पर सुखेड़ी शासकीय उचित मूल्य की दुकान की उपभोक्ताओं ने शिकायत की है। शिकायत की जांच पड़ताल करने पर फूड इंस्पेक्टर अस्मिता गुप्ता पीडीएस दुकान पहुंची, जहां उन्होंने पीओएस मशीन और स्टॉक रजिस्टर की जांच भी की है। साथ ही मौके पर शिकायतकर्ता उपभोक्ताओं को बुलाकर उनके समक्ष जारी जानकारी भी ली है, जहां पर उपभोक्ताओं ने बताया है कि हमें कोई परेशानी नहीं है, सेल्समैन को चेंज कर दो। जांच में क्या, आपके द्वारा क्या पाया गया? जांच में एक तो स्टॉक इनका सही है जी, क्योंकि राशन दुकान में गेहूँ चावल है तो स्टॉक मिला कर तो सही पाया गया है जी। बाकी यहाँ पे जो उपस्थित उपभोक्ता बात की गई है तो उनके द्वारा बताया गया कि उनको लेट प्राप्त हुआ है राशन, लेकिन सितंबर अक्टूबर का राशन प्राप्त हो चुका है। पीओएस मशीन से भी मैडम ने स्टॉक रजिस्टर देखा और स्टॉक रजिस्टर है जो वो हमने मतलब कंप्लीट मिला, उसमें कुछ भी नहीं पाया गया। ये झूठी शिकायत है, इसमें मतलब मेरा कोई नहीं एहसास निकला और न कि मैडम ने जांच की फूड इंस्पेक्टर साहब ने, तो उसमें कुछ भी ना पाया गया और उपभोक्ता को सही सलामत से मतलब वो साइन बनाए।